नमस्कार, शिक्षा के इस मंदिर में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 75 वर्ष पूरे होने पर धनबाद जिले के राजगंज में राजकीयकृत भागीरथी ब्रह्मचारी कुमार उच्च विद्यालय में हो रहे रंगारंग कार्यक्रमों की जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, यह न केवल एक विद्यालय है बल्कि पिछले कई दशकों से सुदूर गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों से आकर बच्चों ने अपने भविष्य को यहाँ संवारा है, बनाया है। वो कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनयम्। अगर विद्या के प्रति आप समर्पित रहेंगे तो आपका भविष्य जरूर बदलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस विद्यालय के पास आज सैकड़ों छात्र, यूं कहें कि हजारों छात्रों ने अपने भविष्य का निर्माण किया है। इसी दौर में 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती कार्यक्रम का आयोजन करीब 1000 पूर्ववर्ती छात्र, जी हाँ ये आप ध्यान रखें, पूर्ववर्ती छात्र ने आपस में मिलजुल कर कल्चरल और नेचुरल इंटीग्रेशन आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी पूर्ण जानकारी यहाँ के प्रधानाचार्य आनंद कुमार के द्वारा जब हमारे संवाददाता उमेश उत्तम विश्वकर्मा ने बात की, जानिए किस तरीके से आगे का कार्यक्रम संचालित हुआ है या और होगा। ये कार्यक्रम दरअसल विद्यालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के हीरक जयंती समारोह के रूप में मनाने का निर्णय राजगंज वासियों विशेषकर पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है। सबका ये मानना है कि इस विद्यालय ने हमें प्रथम शिक्षा दी है और आज इसी शिक्षा के बदौलत हम देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। इसलिए हीरक जयंती समारोह में हम तन मन धन से तैयार हैं और इसी के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2021 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के ही पूर्व छात्र एवं राज्यसभा सांसद श्री संजीव कुमार के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया एवं 8 मार्च 2022 को इस कार्यक्रम का समापन पुनः श्री संजीव कुमार विशिष्ट अतिथि एवं कुंडी के लोकप्रिय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी के द्वारा किया जाएगा। यूं तो आपने सुना होगा अनेक विद्यालय में अनेक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह हुई कि पूर्ववर्ती छात्रों ने 100 दिन का कार्यक्रम यहां पर रखा। वहां के लोग भी काफी हर्षोल्लास में हैं कि हमारे राजगंज जैसे सुदूर इलाके में भी इस तरह का कार्यक्रम हो रहा। राज्यसभा के सांसद संजीव कुमार और आप जान रहे हैं, जैसा कि टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी भी वहां उपस्थित रहे और कल जो समापन कार्यक्रम होना है उसमें अब तक 100 दिनों के अंतर्गत जितना भी कार्यक्रम हुआ उन सबों को, उन सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या प्रतिभागी हैं उनको पुरस्कार से भी अलंकृत किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विद्यालय न केवल एक विद्यालय है बल्कि एक कॉन्क्रीट पिलर है। हमारे विद्यालय का 75वां वर्ष पूरा होने पर हम लोग का जो इस विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र जो रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में हीरक जयंती के रूप में हम लोग मनाए जा रहे हैं। व्योम टीवी के तरफ से इस तरह के विद्यालय और उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम सभी की हम बिल्कुल प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती छात्रों ने आकर नियमित छात्रों का हौसला अफजाई किया, आने वाले समय में यह विद्यालय और भी एक अलग जगाएगा और झारखंड में एक अलग पहचान बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। खासकर मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहता हूँ, अगर आप शिक्षित बनेंगे तो समाज बदलेगा। इसलिए कहा जाता है ना, पहले पढ़ाई फिर कढ़ाई, और तब होगी समाज के खिलाफ फैले हुए भ्रष्टाचार से लड़ाई।